रिसेंटली एक नए लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 41 एंड 41A का यूज करते हुए जो इलीगल अरेस्ट किया जाता है उनके अगेंस्ट में कुछ नई गाइडलाइंस को प्रेस्क्राइब किया है। सेक्शन 41 का क्लोज ए जिसमें कुछ प्रेस्क्राइब सिचुएशंस है, उन प्रेस्क्राइब सिचुएशंस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि विदाउट एनी वारंट एंड विदाउट एनी ऑर्डर ये अरेस्ट कर सकते हैं। एंड वही क्लोज टू जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है कि विदाउट वारंट या फिर विदाउट ऑर्डर ये अरेस्ट कर सके। एंड सेक्शन 41A अगर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तब इस केस में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को नोटिस भेज सकता है। किस पर्सन को? जिसके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, इंफॉर्मेशन या फिर सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, तब इस केस में पुलिस ऑफिसर सिर्फ नोटिस भी सेंड कर सकता है फॉर द अपीयरेंस। पर अपीयरेंस किसके सामने? नॉट बिफोर द कोर्ट, नॉट बिफोर द कोर्ट, यहाँ पर अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। और जिस पर्सन को ये नोटिस भेजा गया है वो पर्सन इस नोटिस को कंप्लाई करने के लिए बाउंड होगा। अगर ये पर्सन फेल करता है, इस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता, तब इस केस में उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। इस नए केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A के साथ साथ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 पर भी स्ट्रेस डाला है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करने से उसकी लिबर्टी खतरे में पड़ जाती है। तो क्रिमिनल कोर्ट्स की ये ड्यूटी बनती है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हुए साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी प्रिजर्व करें, उसको भी सेफ गार्ड करें। इस केस के आने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे लैंडमार्क केसेस में गाइडलाइंस को प्रेस्क्राइब किया। तो इस केस के नए गाइडलाइंस पर जाने से पहले मेजर जजमेंट्स के मेन पॉइंट्स को भी डील कर लेते हैं। तो सबसे पहला जोगिंदर कुमार वर्सेस यूपी, जोगिंदर कुमार वर्सेस यूपी जो कि 1994 का केस है। इस केस के बाद सेक्शन 50A को इंसर्ट किया गया इन 2005 में। इस केस में मेन गाइडलाइंस क्या थी कि नॉमिनेटेड पर्सन को अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाए एंड नॉमिनेटेड पर्सन किसको इन्फॉर्म किया गया इसका नाम डायरी में मेंशन किया जाए एंड साथ में जो अरेस्ट करने का रीजन है उसको भी डायरी में मेंशन किया जाए। क्लियर? इसके बाद आता है मेजर केस डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल जो कि 1996 का केस है। इस केस में कई सारी गाइडलाइंस दी गई जिसके बाद सेक्शन 41B, C एंड D को इंसर्ट किया जाता है। इसमें मेन पॉइंट्स ये थे कि जो पुलिस ऑफिसर इंटेरोगेट कर रहा है अरेस्टी पर्सन का, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट के टाइम पर एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने नेम टैग को भी कैरी करे एंड साथ में मेमो ऑफ अरेस्ट को भी प्रिपेयर करे जिसको अटेस्ट किया जाएगा बाय द विटनेस। एटलीस्ट वन विटनेस होना चाहिए, चाहे वो फैमिली का हो या फिर लोकेलिटी का, प्लस जो एक्यूज्ड पर्सन होगा जिसे अरेस्ट किया गया है ये भी काउंटरसाइन करेगा। साथ में इस एक्यूज्ड पर्सन को अपने राइट्स के बारे में अवेयर कराना और अरेस्ट के टाइम पर इस एक्यूज्ड पर्सन की माइनर या फिर जो मेजर इंजरीज है इनको इंस्पेक्शन मेमो में भी मेंशन करना और हर 48 आवर्स में जब तक ये डिटेन रहेगा उसमें इसका एग्जामिनेशन किया जाए। ऐसे ही कई सारे गाइडलाइंस को दिया गया। एंड इसके बाद आता है अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार जो कि 2014 का ये मैटर है जिसमें सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A की कंप्लाइंस को मैंडेटरी किया गया। तो इन सभी जजमेंट्स का डिटेल्ड में ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम लेटेस्ट केस पे चलते हैं जो कि सत्येंद्र कुमार वर्सेस CBI 2002 का ये मैटर है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हाई कोर्ट एंड द ट्रायल कोर्ट सबके लिए ड्यूटीज को इम्पोज किया गया। जैसे
सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी गई कि एक सिर्फ सेपरेट इनैक्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ बेल से ही डील करता हो। एंड वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड उनके ऑफिसर्स के लिए सेक्शन 41 ए के कंप्लाइंस को मैंडेटरी किया गया। एंड ट्रायल कोर्ट की ये ड्यूटी लगाई गई कि सेक्शन 41 ए एंड सेक्शन 41 ए इनके कंप्लाइंस को एनफोर्स किया जा सके। एंड वहीं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी लगाई गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस इशूड किए जाते हैं इसको कंप्लाई किया जाए। एंड हाई कोर्ट की ये ड्यूटी लगाई गई कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो कि बेल नहीं ले पा रहे हैं बेल की कंडीशंस के लिए, तो उनकी बेल कंडीशंस में कुछ चेंजेस करके अंडर सेक्शन 440 कि जो अमाउंट है बेल का उसको रिड्यूस करके उनको रिलीज किया जा सके। एंड बेल एप्लीकेशंस को 2 वीक्स के अंदर अंदर डिस्पोज किया जाए एंड जो एंटीसिपेटरी बेल है इनको 6 वीक्स के अंदर अंदर डिस्पोज कर दिया जाए। मतलब यहाँ पर एक लिमिटेशंस को प्रेस्क्राइब कर दिया गया। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, हाई कोर्ट्स, इन तीनों की ड्यूटी लगाई गई कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उनका क्या स्टेटस है, तो इनको स्टेटस रिपोर्ट विद इन 4 मंथ्स फाइल करना है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एक्सटेंट ऑफ लॉज के नाम से, और साथ ही में आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो एक्सटेंट ऑफ लॉज के नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।